हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री हाउ टू मेकअप से का स्वागत करती हूँ। और आज आपसे शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। देखिए क्या है ये, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाले कुरकुरे। जी हाँ, ये घर में बनके तैयार हुए हैं और एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा इसका टेस्ट, टेक्सचर और चटपटे एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगी मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए हैं और कौन कौन से मसाले ऐड करे हैं, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। और मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़्यादा से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको ABC 1 2 3 किसी भी शेप में बना सकते हो। आपने मार्केट में सिर्फ इस तरह के खाए लंबे वाले, लेकिन आप इसको अल्फावेट या 1 2 में भी बना सकते हो। घर में जिस चाहे शेप में आप इसको बना के और खा सकते हो, बच्चों के फेवरेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होममेड कुरकुरे की रेसिपी। तो यहाँ पर कुरकुरे बनाने के लिए मैंने लिया है पोहा, जो सभी के घर में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने पोहा लिया है, इसको धोकर और मिक्सर में बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको मैंने धो लिया है, अब इसको मिक्सर में पीस लेती हूँ बिना पानी डाले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको पीसा है, गुठलियाँ बनती हैं तो कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए इस तरह से पीसा है। तो इसमें अब ऐड करेंगे हम दूसरे इंग्रेडिएंट, तो बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाता है, ये है बेसन, जो हमारे घर में रहता है हमेशा। तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच। मैदा भी हमारे घर में रहता है, तो यहाँ लिया मैंने 1/2 चम्मच मैदा। और लिया है बेकिंग पाउडर, यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। और लेना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये सभी इंग्रेडिएंट हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए, और बिल्कुल मार्केट जैसे कुरकुरे बनके तैयार होंगे। और यहाँ पर मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गुठलियाँ बन रही है तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ इसको। तो इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब हम गैस के ऊपर रख देते हैं कढ़ाई, या कोई सा भी बर्तन रख दीजिए जिसमें इसको हमको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने रखी है कढ़ाई, और उसमें डाला है 4 कप पानी या 4 बड़े चम्मच पानी। जिस नाप से हमने बेसन लिया है या जिस नाप से पोहा लिया है, उतना ही पानी लिया है मैंने उसी नाप से। तो यहाँ पर पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, इस तरह से पानी में उबाल आना चाहिए। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने मिक्स तैयार करा था, उसे डाल दिया है। और अब इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अगर गुठलियाँ बन रही हैं तो बिल्कुल भी, मैं फिर से कह रही हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जितना पक रहा है उतना पकाइए इसके अंदर। तो इस तरह से देखिए मैं पका रही हूँ लगातार चलाते हुए। कोशिश करिएगा कि जितनी गुठलियाँ अगर मिक्स हो सके, जितनी फूट सके उतनी कर लीजिएगा, और बाकी की हम हाथ से मैश करेंगे उस समय हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको पकाना है जब तक कि अच्छे से थोड़ा ड्राई ना हो जाए, पानी अच्छे से सूख ना जाए और पक नहीं जाए। देखिए ये, तो यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है। तो मैंने कर दिया है गैस ऑफ और इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थाली में निकाल लेती हूँ ताकि ये फटाफट जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा फैला दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और इसको आधा घंटे के लिए इसी तरह से रहने देंगे, उसके बाद ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ देख रही है इसको आधा घंटा हो चुका है, और इसको अच्छे से मतलब इस तरह से फैला दिया था तो अच्छे से ठंडा हो चुका है ये। तो अब इसको हाथ से अच्छे से मसल मसल के एकदम सॉफ्ट करना है। तो हाथ में मैंने लगा लिया है तेल या घी, जो भी हो आप लगा लीजिए, और इस तरह से मसल के एकदम इसको सॉफ्ट करना है। तो ये बिल्कुल आटा जैसा सॉफ्ट हो जाएगा, जिस तरह से आटा रहता है ना, उस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम डो तैयार हो जाएगा इसका। तो इसको मैं इस तरह से मसल मसल के एकदम सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मसल मसल के एकदम सॉफ्ट कर लिया है, और इसे 10 से 15 मिनट लगे हैं मसलने में ताकि इसकी सारी गुठलियाँ मतलब अच्छे से मेश हो जाए। इसको मैंने पोहे को धोया था, इस वजह से इसमें गुठलियाँ पड़ी। अगर आप चाहो तो पोहे को धोकर सुखा कर और फिर बना सकते हो, तो वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, मैंने हाथ में हल्का सा तेल लगा के और इस तरह से डो तैयार कर लिया है। अब आप इसको फिर से थोड़ा सा तेल या थाली में लगा के और इसको या तो थाली पे फैला लीजिए आप, या फिर छोटी छोटी इस तरह से देखिए फैला लीजिए, या फिर छोटी छोटी मतलब गोलियां बना के और हाथ में यहाँ आप इसका शेप दे सकते हो, जिस तरह से कुरकुरे रहते हैं ना उस तरह से उसका शेप दे सकते हो। तो यहाँ पर पहले तो मैंने इसको फैला दिया इस तरह से। अब मैं इसको नाइफ से लंबाई में काट लूँगी, तो उससे क्या ईजी रहेगा थोड़ा। तो इस तरह से नाइफ से आप, अगर आपको इजी लगे तो, नहीं तो आप छोटी छोटी लोइयां बना के भी लंबाई में कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैं करके और छोटे छोटे टुकड़े उठा के और इस तरह से हाथ से लंबाई में कर लूँगी, जिस तरह से कुरकुरे की शेप रहते हैं ना, बस उसी तरह से करना है। तो ये देखिए इसी तरह से रहते हैं ना कुरकुरे, कहीं से मोटे, कहीं से पतले, कहीं से टेढ़े, इस तरह से आप बना लीजिए। तो सबको इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने सभी कुरकुरे बना के रख लिए हैं। इस तरह से देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, और जब फ्राई होंगे उसके बाद तो इसका टेक्सचर और अलग दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर रख दी है कढ़ाई, और फ्लेम को रखना है हाई पे। तो इसमें मैं डाल देती हूँ तेल, तो हम इसको फ्राई करेंगे तेल में। तो यहाँ पर मैं तेल डाल देती हूँ, तो तेल को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद लो पे कर देंगे, यानी हाई टू लो पे हम इन कुरकुरों को गर्म करेंगे। तो देखिए मैंने तेल डाल दिया है, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो फ्लेम का भी मतलब विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को अभी हाई पे रख रखा है, अच्छे से गर्म हो जाएगा तेल। उसके बाद ये देखिए अभी जैसे ही डालने लगी हूँ कुरकुरे, वैसे ही मैंने फ्लेम को लो पे कर दिया है और इनको डाल देंगे। तो इनको लो फ्लेम पे हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी फ्राई होंगे, और मतलब पहले हाई टू लो पे आएंगे, फिर लो टू मीडियम पे जाएंगे। इस तरह से आपको इसका आँच रखना है, फ्लेम रखना है। और ये देखिए आपको स्पून से या झर से नहीं करना है इसको, अभी स्टार्टिंग में इसको 1-2 मिनट इसी तरह से मतलब चला चला के इस तरह से फ्राई फ्राई करिए। अगर आप इसमें चम्मच लगा दोगे तो ये क्या टूटने के डर रहेंगे, बहुत सॉफ्ट रहते हैं तो टूटने का डर रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसको 1-2 मिनट तक इस तरह से मैंने इसको पकाया है। और उसके बाद जब इसको 1-2 मिनट हो गए, उसके बाद मैंने इसमें झड़ लगाया है। तो ये देखिए अभी भी मैं इसको इसी तरह से पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से थोड़े से पक नहीं जाते हैं। ये देखिए तो इनको हम पका लेते हैं, और फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम पर। अब मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह से मैं लगातार चलाते हुए पकाऊंगी ताकि सभी दूर से एक जैसा कलर आए और एक जैसे पके, एकदम क्रिस्पी फ्राई हो। तो चलिए इन्हें पका लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने इनको निकाल लिए हैं। और इसी तरह से आपको इनको फ्राई करना है, कलर देखा आपने कितना फाइन आया था। तो इसी तरह से मैं और भी फ्राई कर लेती हूँ, सभी को इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। पहले हाई फ्लेम पे, फिर लो फ्लेम पे, फिर लो से मीडियम फ्लेम पे इनको इसी तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। स्पून या झर नहीं लगाना है और इनको इस तरह से फ्राई करना है। देखिए और यहाँ पर मैंने कुछ बनाए थे, बी सी ए एस ये वाले साइज़ शेप के बनाए थे। तो ये देखिए डाले हैं, तो बच्चों को ऐसे शेप तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के आप अल्फ़ाबेट में या 1-2 में आप बना के कुरकुरे बच्चों को दे सकते हैं। मार्केट में आपको इस तरह के कुरकुरे नहीं मिलेंगे। देखिए डी और बी दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी टेस्टी लगते हैं और घर के बने हुए हैं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब चाहो घोल तैयार करो, डो तैयार करो और घर में बना बना के बच्चों को गरम गरम या ठंडे सर्व करो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाय के साथ बारिश में खाइए, आप भी इसको खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं सभी को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सभी कुरकुरे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इनमें मसाला ऐड करेंगे, तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैगी मसाला 1 पैकेट, क्योंकि मैगी का टेस्ट सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला लिया, आप चाहो तो चाट मसाला ले सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और डेली यूज़ में आने वाला सादा नमक। तो यहाँ पर मैं सादा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस ये 3 चीज़ डालनी है और मसाला तैयार हो जाएगा अपने कुरकुरे का। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे लगेंगे इन मसालों से भी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुरकुरे के साथ में। तो यहाँ पर मैं कुरकुरे डाल देती हूँ इसके अंदर। तो ये सारे कुरकुरे मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब ढक्कन लगा देंगे और ऊपर नीचे अच्छे से करेंगे। तो अच्छे से इसको इस तरह से करके, और देखिए सब में मसाला बहुत अच्छे से हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं ये देखिए। और आप इसको एकदम से तोड़ के देखोगे तब भी देखिए बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो आप इसको एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख सकते हो, जब भी इच्छा हो तब खाइए। मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को घर का बना हुआ शुद्ध कुरकुरा बना के खिलाइए और कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है। आप इसको जितना चाहो बच्चों को खिला सकते हो, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कुरकुरे बनके तैयार हो चुके हैं, ए बी सी किसी भी साइज़ में बनाइए। तो
तो आप लोग को मेरी कुरकुरे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो फिर मिलूंगी मैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय।